टीवी के साथ मिलकर नेहा धूपिया दिनो मोरिया और निकल चन्नप्पा ने उठाया एक इनिशिएटिव जहां वो नो प्लास्टिक यूज को प्रमोट करते नजर आए। इस इवेंट में दशहरा के मौके पर प्लास्टिक का रावण बनाया गया जिसके जरिए ये मैसेज दिया गया कि अब हमें इस रावण दहन के साथ साथ नो प्लास्टिक यूज को भी छोड़ देना चाहिए। नेहा अक्सर स्पेशल कॉजेस का हिस्सा बनती दिखाई देती है। हाल ही में नेहा ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक मैसेज लेकर आई थी जिसमें उन्होंने एक माँ के पर्सपेक्टिव को मीडिया के सामने रखा था और इस बार नेहा एनटीवी के साथ मिलकर एक कदम नो प्लास्टिक यूज के लिए उठाती नजर आई हैं। ऐसे में मीडिया ने इन तीनों सितारों से की खास बातचीत और पूछा इस कॉज से जुड़ने का मकसद। आई थिंक एमटीवी जो भी कुछ करता है वो यू नो इन सम वे और द अदर इट डेफिनेटली अफेक्ट्स द यूथ एनवायरनमेंट और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स के साथ वो काम करते हैं। एमटीवी ट्रैश टॉक एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे यू नो देव टेकन टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट्स। वन ऑफ कोर्स इज ऑनलाइन ट्रोलिंग जो हम सब चाहे आप मीडिया में हों चाहे आप सेलिब्रिटीज़ हों नॉन सेलेब्स हों आई मीन जो भी कुछ हो इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया आई डोंट थिंक दैट एनीबडी हु डज नॉट गेट ट्रोल्ड। तो वो एक सब्जेक्ट उठा के उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे उन्होंने दे टेकन एन ओथ और अ प्लेज दैट दे आर गोइंग टू कलेक्ट 1 kg ऑफ प्लास्टिक एंड देन ट्राई एंड अपस्केल व्हाटएवर प्लास्टिक और रीयूज व्हाटएवर प्लास्टिक आउट ऑफ इट दैट दे कैन। बोथ वेज इट्स ग्रेट फॉर द एनवायरनमेंट एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर एवरीबडी हुज ऑन सोशल मीडिया क्योंकि शायद लोग भी क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे और शायद ट्रोलिंग के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो लोग अंडरस्टैंड करेंगे दैट इट्स नॉट ओके टू बी ट्रोल्ड एंड इट्स नॉट ओके टू इवन यूज प्लास्टिक द वे इट इज। सो या दे हैव जॉइंड टू फैंटास्टिक इनिशिएटिव्स टुगेदर। वही बहुत सही कहा इसने। आई एग्री कम्प्लीटली विद एवरीथिंग शी सेड। जो दो इश्यूज लिए हैं प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक और ट्रोलिंग आजकल उसका असर बहुत बुरा आता है वी नो दैट एंड इफ वी कैन स्टॉप बोथ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग विच एमटीवी जो खास तौर पर यूथ के लिए हमेशा एक मैसेज देते हैं सो होपफुली द यूथ विल सी दिस ये जो मैसेज है एंड स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक और ट्रोलिंग जो सबसे खतरनाक है सोशल मीडिया में। आई होप दे विल स्टॉप ट्रोलिंग अदर पीपल। Over the years, MTV has always done very interesting campaigns that are related to the youth. In the past, they've done the AIDS awareness campaign, they've done the anti-leprosy campaign, they've done campaigns to encourage the youth of India to go out and vote during elections. And now they're talking about pollution. Everybody knows what state the world is in. There's a girl from Sweden who started a climate crisis campaign that everybody has been able to associate with resonate with because it applies to all of us. Kids all across the world realize that the planet is in danger and one of the main issues is plastic. I spend a lot of time scuba diving in the ocean and the oceans are beautiful and it's beautiful to see fish and turtles swimming by and more often than what I've seen in the past, I'm now seeing plastic floating by in the ocean as well, which is horrible and tragic. We might not see it on land, but we're the ones responsible for it. And like I said on stage, everybody can contribute something. You don't have to change the world overnight, but if you can make a small change in the lifestyle that you lead, in the way that you conduct your own life, and you can make more sustainable choices in things that you do, whether it's taking public transport, whether it's consuming less meat, whether it's not using single-use plastic, whether it's recycling things that can be recycled, upscaling and downscaling things that can be, you know, moved around in terms of resources. That's your contribution to the planet. No one person can change the entire planet. As much as I love Greta, she's one person who started a movement, but it's the movement that's going to change the planet, right? And we all have to be a part of that movement. And I'm glad that MTV's taken up this initiative to create a movement out of trash talk. Iske saath saath Neha aur Dino ne diya trollers ko karara jawab. आई थिंक एक मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट द वन हु विल से कि आई जस्ट इग्नोर इट एंड ऑल। ज़रूर कभी कभी आप पढ़ते हो अपने कॉमेंट्स और आप डेफिनेटली देखते हो, आपको थोड़ा सा ऐसे लगता भी है व्हाट्स गोइंग ऑन, बट देन यू रियलाइज दैट यू नो इट्स जस्ट सम silly person sitting at home not having anything to do, because actually when you open their picture, I mean I want to reverse troll them because they weigh 150 kgs and they haven't moved from that computer at all and all they've done is eat potato chips and sit sat there and troll people. So yeah, there's always a flip side to it, but I mean as people in the business, as influencers, as whoever you are, I mean we don't have the time. It stays in your head for 30 seconds, but the best thing is to ignore it. I think the bigger thing is to support causes like MTV Trash Talk. यार मेरे साथ ट्रोलिंग बहुत होता है, मैं पढ़ता हूँ, बट
I don't pay a heed to it. मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं react नहीं करता हूँ, because मैं जानता हूँ जो troll करता है उनका कोई काम नहीं है. वो वैसे बैठता है बिना कोई काम और ऐसे मतलब गलत बातें करते हैं. So कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं reply करूँ, मगर reply करेंगे तो शायद उसका फ़ायदा होगा या शायद नहीं. एक बार मैंने reply किया, प्यार से मैंने समझाया कि यार ये करना मतलब गलत है, अच्छा नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने जो जवाब दिया वो उल्टी सीधी बातें की. So I feel, you know, people just do it because they really have nothing to do. I feel sad for them. I really feel bad for them.